ब्यूटी इनसाइड इस मूवी का नाम है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी एक अनोखी मूवी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो डेली चेंज होता रहता है। मूवी का मेन कैरेक्टर जिन नाम का एक लड़का है, जिसका कोई एक फेस नहीं है, वो डेली चेंज होता रहता है। कभी बच्चा बनता है, कभी बूढ़ा बनता है, कभी यंग मैन बनता है, कभी एक टीनेजर बन जाता है, कभी तो लड़की भी बन जाता है। मूवी में वो अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है और वो कहता है कि जब भी वो सो के उठता है तो वो एक न्यू फेस के साथ उठता है, नए जेंडर के साथ उठता है। उसकी बॉडी, उसकी पहचान, उसका जेंडर सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी वजह से वो उसके पास हर आई साइट के चश्मे, हर साइज़ के जूते और हर जेंडर के कपड़े रखता था। कभी कभी वो फॉरेनर भी बन जाता है, उसी लैंग्वेज में वो बोलता भी है, उसकी आई साइट भी चेंज हो जाती है और उसका जो भी जेंडर है उसी हिसाब से उसके बॉडी पार्ट चेंज हो जाते हैं, उसी प्रकार वो लैंग्वेज भी बोलता है। उसका प्रोफेशन जो वो काम करता था वो फैशन फर्नीचर डिज़ाइनिंग का काम करता था। बीमारी का बहुत आदी हो चुका था, वो जानता नहीं था कि अब मैं नॉर्मल कैसे रहूँ, तो उसकी उसे हैबिट हो गई थी और वो वैसे ही काम करता था और कोई भी काम वो ऑनलाइन करता था जिसके लिए लाइव जाना ना पड़े, क्योंकि वो हर दिन चेंज होता था ना, तो इसलिए वो सभी काम ऑनलाइन करता था। जिनके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसकी मम्मी, मदर और उसका एक फ्रेंड जिसका नाम था सैंग, वो दोनों ही जानते थे। और जो भी उसकी प्रोफेशन था फर्नीचर डिज़ाइन का, उससे रिलेटेड जो भी बाहर के काम रहते हैं, कस्टमर हैंडलिंग वगैरह, वो सब सैंग ही देखता था। एक दिन सैंग घर पर आता है जिन के और उससे कहता है कि तुम एक हैंडसम लड़के बने हुए हो, तो चलो कहीं पर बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए। तो दोनों क्लब में जाते हैं, वहाँ पर वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ जीन एक लड़की के साथ सोता है और जब वो जागता है तब वो एक बूढ़ा आदमी बना हुआ होता है। जीन ये सारे फेसेस ना अपने रिकॉर्ड करके रखता है, सभी फेसेस की वीडियो निकाल के रखता है। आइडेंटिटी चेंज होने का मामला उसके साथ 12 साल पहले से शुरू हुआ था। जीन हमें स्टोरी में बताता है कि जब भी वो जेंडर कोई भी चेंज करता है, कभी भी वो फॉरेनर बनता है, तब वो उनकी लैंग्वेज में बोलता है, वो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल पाता, वो फॉरेनर लैंग्वेज बोलता है जो उसने कभी सीखी भी नहीं होती है। तो इस बदलते हुए आइडेंटिटी की वजह से वो कभी किसी से प्यार भी नहीं कर सकता और वो उसे कोई पसंद भी नहीं कर सकता। जब वो 18 साल का होता है, एक दिन वो सो के उठता है और जब वो मिरर में देखता है तब वो एकदम चेंज हुआ आदमी दिखता है। तो उसको देखकर वो खुद ही डर जाता है और अपनी माँ को जाके बताता है। उसकी माँ ये सब देखकर हैरान रह जाती है और उसे सॉरी बोलकर गले लगा लेती है, कैसे तो भी सिचुएशन हैंडल कर लेती है। इसी वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है, जहाँ उसके उम्र के बच्चे पढ़ाई करने में, अपना करियर बनाने में व्यस्त रहते हैं, वो अपनी लाइफ हैंडल करने में व्यस्त रहता है। तो इसी वजह से वो कहीं जा भी नहीं पाता, आ भी नहीं पाता। तो एक दिन सैंग जो उसके घर पर कुछ सामान डिलीवर करने जाता है, तब एक मिडल एज वूमन दरवाज़ा खोलती है और उसे खाना ऑफर करती है। सैंग को लगता है ये जिन की माँ होगी, पर जिन की माँ तभी वहीं पे आ जाती है और उसे देखकर सैंग चौंक जाता है। फिर उसे पता हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि जिन है। यह सब देखकर सैंग बहुत हैरान हो जाता है, वो यकीन ही नहीं कर पाता। फिर वो जिन से कुछ सवाल करता है जिसके वो एकदम सही जवाब देता है। उसे ये लगता है कि सच में ये जीन है। उस लेडी ने जो भी जीन के बारे में क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, वो सैंग को एकदम करेक्ट लगे हैं, तो उसे ये बात तो पता हो जाती है कि ये सच में जीन है। बहुत ही हंसता है, रोज़ आता है जीन को देखने के लिए, क्योंकि जीन तो रोज़ चेंज हो जाता है ना, तो उसे वो रोज़ आके देखता है, वजह से वो दोनों भी हंसते रहते हैं। एक दिन जीन लड़की बना हुआ होता है, उस दिन वो सैंग को लेकर क्लब में जाता है ड्रिंक करने के लिए। सैंग तभी उससे कहता है कि हम दोनों 15 साल से दोस्त हैं और आज तुम लड़की के बॉडी में हो, तो क्या तुम क्लोज आ सकते हो? तो इस पर जीन अपोजिट आंसर देकर कहता है कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखो। उसके बाद जीन और सैंग वापस आ जाते हैं, दोनों अगले दिन फिर मिलते हैं। तब वो एक लड़का बना हुआ होता है,
सैंग जिन को कुछ इमेजेस दिखाता है और कहता है कि मेरे कंपनी का ओनर तुम्हारे डिज़ाइन चुराता है। तो इसे देखकर जिन को एक आइडिया आता है कि वो भी एक कंपनी खोले, और इसी वजह से वो भी एक कंपनी खोलता है। और तभी उनका डिसाइड हो जाता है कि जिन कंपनी में फर्नीचर डिज़ाइन करेगा और उसकी सप्लाई करेगा, और सैंग उनको सेल आउट करेगा। उस कंपनी का नाम वो दोनों ALX चूज़ करते हैं। पहले जिन एक फर्नीचर डिज़ाइन मेकर था, तो अब उसकी एक खुद की कंपनी है और वो सप्लाई भी करता है और फर्नीचर मेकर भी बन गया है। तो एक दिन वो फर्नीचर शॉप में जाता है, वहाँ की वर्कर जिसका नाम सू होता है वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो उससे कहता है कि मुझे एक चेयर चाहिए जिस पे बैठने के बाद घोड़े पर बैठने जैसा लगे। तो वो सू उसको एक वेबसाइट दिखाती है जिसका नाम ALX होती है, जो कि जिन की कंपनी होती है, और उसी की डिज़ाइन की हुई चेयर उसको दिखाती है। उस पर जिन उसे कहता है कि तुम ऐसे फ्री में एडवर्टाइज़ कैसे कर सकती हो और किसी भी वेबसाइट की कंपनी की तुम तारीफ़ कैसे कर सकती हो। इस पर दोनों भी हंसते हैं। उसके बाद जिन डेली उस सू को देखने के लिए उस फर्नीचर शॉप में आता है। अलग अलग फेसेस होने की वजह से सू उसे कभी पहचान ही नहीं पाई कि ये जिन है, और उसको भी उससे स्लोली स्लोली प्यार होने लग जाता है। एक दिन जिन बहुत ही हैंडसम लड़का बना हुआ होता है, तो वो सू के शॉप पर जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ डिनर पर चलोगी। उस पर सू कहती है कि मुझे कुछ काम है, वो उसे मना कर देती है, और वो फिर भी सू का पीछा नहीं छोड़ता। समहाउ वो उसे डिनर के लिए कन्विंस कर ही लेता है। उसका इनोसेंट चेहरा देखकर और उसका इनोसेंस देखकर सू भी उसे हाँ बोल देती है। पर जिन रेस्टोरेंट से खाना परचेस कर लेता है और वो सू को लेकर फर्नीचर शॉप पर जाने की सोचता है। तब वो सू कहती है कि मैं नहीं आऊँगी। फिर जिन उसकी सेक्रेटरी का नंबर देता है और कहता है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुम इस नंबर पर कॉल कर सकती हो। यह सब कुछ सुनकर सू मान जाती है और वो शॉप पर चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों खाना खाते हैं और उसे वहाँ पर जाके पता चलता है कि ये ALX कंपनी की फर्नीचर शॉप ही है। फिर सू को थोड़ा थोड़ा बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है। डिनर करने के बाद जिन सू को उसके घर तक छोड़कर आता है, और उसके बाद अब जिन को सू से प्यार हो गया है। अगले दिन वो फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं, और इस बार सू को मिलने का वक्त होता है, पर इसमें एक परेशानी है, अगर जिन सो गया तो फिर से वो चेंज हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। इसी वजह से जिन सोता ही नहीं, वो खुद को किसी काम में बिजी रखता है, हर घंटे का अलार्म लगाता है, और इसी वजह से वो सोता ही नहीं। जब जिन और सू फिर से मिलते हैं, फिर से वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और सू जिन से पूछती है कि तुम ALX कंपनी में करते क्या हो। वो उसे कहता है मैं फर्नीचर डिज़ाइनर हूँ। उसके बाद वहाँ पर सैंग आ जाता है, उसे देखकर सू और जिन छुप जाते हैं। उसके बाद सू और सैंग दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं, और जिन फिर से खुद को बिजी रखने के लिए काम करने में लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया गया है कि अब जिन बहुत दिनों से सोया नहीं होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। तो जब वो सू को ड्रॉप करने जाता है, तो वो बस में ही सो जाता है, और फिर जब बस स्टेशन पर उतरती है, तो वो एक खुद को नोटिस करता है कि वो एक मिडल एज इंसान बन चुका है, और सू वहीं पे स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसके पास होने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मिल पाते। उसके बाद सू को उसके बॉस का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है, और सू ने बहुत ही कॉल किए हुए रहता है जिन को, पर जिन उसे पिकअप नहीं करता, उसके फ़ोन नहीं उठाता। जिन को लगता है कि उसके एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी का दी एंड हो चुका है। फिर उसको सू का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा स्टेशन पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, फिर भी तुम नहीं आए। तो इस मैसेज को देखकर जिन को लगता है, जिन डिसाइड करता है कि मैं सू को ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ूंगा, उसको सब रियलिटी बताऊंगा, और फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जिन एक लड़की बना हुआ होता है,
वो सू के पास जाता है और सू को कहता है कि मुझे जिनके बारे में सब कुछ पता है। वो सू को लेकर उसकी फैक्ट्री में आता है, उसके फर्नीचर फैक्ट्री में आता है और उसे कहता है कि ये देखो, ये सभी फेसेस उसे दिखाता है। वो रिवील करता है खुद को कि मैं जब भी सोकर उठता हूँ, मैं नए आइडेंटिटी के साथ उठता हूँ, तो मेरा हर दिन अलग अलग फेस रहता है। ये सब सुनकर सू हैरान हो जाती है, उसके वीडियोस देखती है अलग अलग फेसेस की, फिर भी वो उसे बिलीव नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। बहुत दिन गुजर जाते हैं, फिर भी सू जिन को नहीं भुला पाती। और फिर एक दिन सू जिन के फैक्ट्री में जाती है, जहाँ वो एक जापनीज लड़की बना हुआ होता है, वो डोर ओपन करता है और सू उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, फिर अगर करते हो तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सू उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, मुझे तुम्हारा जो जेंडर है वो चेंज होते देखना है अपनी आँखों से। तो जिन उसको एग्री कर जाता है और जब वो दोनों लेटे हुए होते हैं, तब सू से पूछती है ये कब से हो रहा है। तब जीन कहता है कि ये कुछ 12 साल पहले से हो रहा है। वो अपनी पूरी स्टोरी उसे बताता है और दोनों भी उस पर हंसने लगते हैं। इन्हीं बातचीत के दौरान सू को जीन की असल एज पता चल जाती है, जो कि 29 है, और सू की भी सेम 29 ईयर ओल्ड एज होती है। सू जीन से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। सू उससे जोर से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। उस पर जिन कहता है कि मैं अपने इस आदत को एक्सेप्ट कर गया था, पर जब मैंने तुम्हें देखा तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और उसके बाद वो दोनों भी सो जाते हैं और अगले दिन सू देखती है कि सच में जिन का जेंडर चेंज हो गया है। जिन को बहुत खुशी होती है कि सब कुछ जानते हुए भी सू उसके साथ थी। वो दोनों एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, दोनों भी खुशहाल जिंदगी स्पेंड कर रहे थे। कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए सू ने जिन के नेक पर एक टैटू भी बनवा लिया था। एक दिन सू को जिन के साथ एक पार्टी में जाना था, पर जिन उसी दिन एक बूढ़ी औरत बन गया था, तो वो उस पार्टी में टाइम पर नहीं पहुँच पाया। सू की बॉस सू से पूछती है कि तुम मुझे हमेशा अलग अलग इंसान के साथ दिखती हो, और उस पार्टी में सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए थे, तो उसी वक्त एक अनजान शख्स वहाँ पर आकर सू का हाथ पकड़ लेता है। तब सू उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे लगता है कि ये जीन है और वो सच में जीन ही होता है। उसे देखकर फिर बॉस भी खुश हो जाती है और पार्टी एंड हो जाती है। जीन अचानक चेंज कैसे हुआ? वो ज़बरदस्ती खुद को सो जाता है और फिर से वो एक अच्छा सा इंसान बन के, अलग सा जेंडर चेंज करके वो उस पार्टी में चला जाता है। अगले दिन जीन सू को अपनी माँ से मिलवाता है और उसकी माँ सू को थैंक्स कहती है कि वो उसके बेटे के साथ ये कंडीशन जानने के बाद भी है, तो इसी बात पर वो उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद जीन अगली सुबह सू से सू जब सोई हुई होती है, तब वो खुद से सवाल पूछता है कि क्या मैं मैरिज के लिए, शादी के लिए सू से पूछूं, क्या वो हाँ करेगी या ना करेगी। तो इन दोनों का वो कन्फ्यूजन दिखाया है थोड़ा बहुत। उसके बाद जिन बहुत दिनों तक वो अपनी वेडिंग रिंग बनाने में बिजी दिखाया है। उसके बाद सू अपनी डॉक्टर के पास जाके उनसे राय लेती है। वो कुछ अपने बीमारी के बारे में भी बताती है, पूछती है, और जिनके आइडेंटिटी चेंज होने के बीमारी के बारे में भी डॉक्टर से सलाह लेती है। डॉक्टर कुछ मेडिकेशन उसे लिख के देती है। सू उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम भी कभी मेरे जैसे नॉर्मल इंसान बन जाओ। उसके बाद जिन सू से पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। उस पर सू कुछ भी जवाब नहीं देती। उसके बाद वो सू को घर ड्रॉप करने जाता है। गाड़ी में भी वो सू से वही क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उस पर सू कहती है शादी करना कोई आम बात नहीं है, मैं घर वालों को क्या बताऊंगी कि तुम्हारी आइडेंटिटी रोज़ चेंज होती है, तुम रोज़ अपने जेंडर चेंज करते हो, तुम खुद के कपड़े रोज़ नए नए चेंज करते हो जिसे तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ता है, तुम इन सब बातों में कितने फंसे हुए हो, ये सब कुछ मेरे घर वाले कैसे मानेंगे। ये सब कुछ वो जिन को बता देती है और फिर वो गाड़ी
रोकने को बोलती है। मैं मेरे घर वालों को और सभी लोगों को कैसे बताऊंगी कि यही आदमी जीन है? तो जीन भी उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता है और वो बहुत ही टेंशन में कुछ पील्स ले लेती है, जिससे लेकर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जीन उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है और जीन उसकी कॉन्वर्सेशन उसके डॉक्टर के साथ उसके मोबाइल में सुन लेता है। उसको यह पता चल जाता है कि यह सारी टेंशन उसकी वजह से है। उसके बाद अगले दिन जीन एक लड़की बना हुआ होता है और उसके माँ के साथ होता है। उस वक्त माँ उसे एक हकीकत बताती है कि जीन अपने पापा पर गया है, जीन उसके पापा के जैसे बन गया है। उसके पापा को भी आइडेंटिटी चेंज होने का यही प्रॉब्लम था, तो इसी वजह से उसकी माँ यानी जीन की माँ को भी डिप्रेशन फील होता था और उनको पता चल गई और वो उसे डिप्रेशन में नहीं देख सके और वो उन्हें छोड़कर चले गए। तो यही बात जीन को पता चल जाती है और जीन को भी यही लगता है कि अब वो सू से दूर चला जाए, यही अच्छा रहेगा। जीन सू से कहता है कि अभी हमको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और ब्रेकअप करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ब्रेकअप करने से पहले जीन सू को एक चेयर गिफ्ट करता है, जिसे देखकर और उसकी याद में सू हमेशा रोती रहती है। उसके बाद 10 महीने बीत जाते हैं और सू फिर से एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देती है। फिर भी उसे जीन की याद सताती रहती है और वो एक दिन डिसाइड करती है कि वो जीन का पता लगा कर रहेगी। जीन किसी दूसरी कंपनी में काम करता है फर्नीचर डिज़ाइनिंग का। वहाँ सू पहुँच जाती है। वहाँ आने के बाद जीन उससे कहता है कि यहाँ पर जीन नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता, पर सू उसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं कोरिया से आई हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी फर्नीचर की मार्केट है और उसे उसकी कंपनी के लिए कुछ फर्नीचर के सैम्पल्स चाहिए। तो उसी रिक्वेस्ट पर जीन उसे अंदर ले लेता है और वो उसकी डिज़ाइंस देखना स्टार्ट कर लेती है। और उसके बाद वो सभी वॉल्स पर लगे हुए फर्नीचर डिज़ाइन देखना स्टार्ट करती है। उसके बाद वो जीन के पास जाती है और उसके हाथ पर हाथ रख कर कहती है कि अब बस हो गया। उसका नाम लेती है जीन और कहती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, मैं बहुत बदल चुकी हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। वो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, वो जीन से पूछती है। ये सब कुछ सुनकर जीन बहुत रोता है और फिर वो दोनों वॉक पर जाते हैं बाहर, और जीन उसकी बनाई हुई वेडिंग रिंग उसको पहनाता है, और यहीं पे स्टोरी का दी एंड हो जाता है। बहुत ही लवली स्टोरी थी और बहुत ही अनोखी स्टोरी थी।